Very good morning to my all students. Students, आज का हमारा टॉपिक है रीअरेंज. वर्ड्स को हम किस तरह से अरेंज करते हैं ताकि वो फ्रेजेस बन जाएं और सेंटेंसेस बन जाएं. तो पेपर में जो आपको क्वेश्चन आएगा वो हो सकता है आपको 5 सेंटेंसेस आए या फिर हो सकता है कि 4 ही आए, जंबल्स वर्ड्स हो. तो मैं आपको लास्ट ईयर जिस तरह से आया था क्वेश्चन उसी फॉर्म में बता रही हूँ. रीअरेंज एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. तो आप देख रहे हैं कि ये टुकड़ों में बटा हुआ है, ये जो सेंटेंस है जंबल्ड है, वर्ड्स जो हैं इधर उधर हैं. तो स्टूडेंट्स, इन्हें शुरू करने से पहले आपको सबसे फर्स्ट वर्क जो करना होता है वो है आपको इसमें एक्शन वर्ड ढूंढने हैं. एक्शन वर्ड जैसे जिसे हम वर्ब भी कहते हैं, वर्ब क्रिया, क्रियात्मक शब्द, जैसे उठना, बैठना, सोचना, खाना, नहाना, चलना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं. इन सबको करना पड़ता है, हंसना, रोना. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एक्शन वर्ड्स हैं और सभी एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं. तो हमने सबसे पहले इसमें वर्ब ढूंढनी है, क्योंकि रीअरेंजेस करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो वर्ब ही है. तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, वर्ब. तो जैसे कि फर्स्ट आप देख रहे हैं ये 2 वर्ड्स हैं, 2 फ्रेजेस कट कर रखे हैं हाफ में. तो फर्स्ट में देखिए, हमें नज़र आ रही है बिगेन. बिगेन मतलब स्टार्ट होना, उसकी सेकंड फॉर्म है ये बिगिन, बिगेन, बिगन. तो ये वर्ब है हमारी, बिगेन मतलब शुरू हुआ. क्या शुरू हुआ, जीवन. और दूसरी वर्ब क्या है यहाँ पर, थिंक. ये फर्स्ट फॉर्म ही है, थिंक मतलब कि सोचते हैं. अब क्योंकि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है तो हम सोचते हैं ही बोलेंगे, और ये बिगेन है तो शुरू हुआ. तो अब इन्हीं दोनों से हमने क्वेश्चन पूछना है. सोचते हैं कौन सोचते हैं, साइंटिस्ट. साइंटिस्ट सोचते हैं क्या, लाइफ मतलब जीवन, जीवन शुरू हुआ. अब जीवन शुरू हुआ तो जीवन कहाँ शुरू हुआ होगा, देखो यहाँ ये तो समय दिया है सेंचुरीज अगो, 20 मिलियंस, ये बीसी के साथ ही है. कहाँ शुरू हुआ है, ऑन अर्थ. तो क्या बनेगा, साइंटिस्ट थिंक, साइंटिस्ट सोचते हैं दैट, क्या सोचते हैं कि लाइफ बिगिन, जीवन शुरू हुआ ऑन अर्थ, धरती पर. कब, तकरीबन, अबाउट 20 मिलियंस सेंचुरीज अगो. तो ये हमने एक सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल बना लिया है. तो हम इसका आंसर लिखेंगे अब, साइंटिस्ट थिंक दैट लाइफ बिगेन, अब कहाँ शुरू हुई है, अर्थ पर शुरू हुई है, ऑन अर्थ, अबाउट 20 मिलियंस सेंचुरीज, यहाँ मिलियन है, सेंचुरीज अगो. तो ये हमारा सेंटेंस रीअरेंज हो चुका है. नेक्स्ट आ जाइए, अब इसमें वर्ब ढूंढनी है आपको. वर्ब क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब जो है हमारी वो है आर, है. है क्या है, यहाँ पर एंडलेस प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाला
प्रोसेस, प्रक्रिया जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पर वर्ब है आर, आर मतलब है, और क्या है? कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस। क्या कभी ख़त्म नहीं होने वाला? क्या नहीं ख़त्म होने वाला? प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स तो प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस यहाँ पे क्या है? एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन होता है कि विकास होना, कैसे? जीवों में जो बदलाव आते हैं और उनमें कई 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 वर्षों के बाद कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है? एवोल्यूशन का। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं एन लगा हुआ है, और एन जो है वो किसके आगे लगता है? वाउल साउंड के आगे लगता है ना, वाउल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये तो प्राइमरी क्लासेस में आपने सुना है। पर आपने क्या करना है, अब वर्ड्स को बोल कर देखना है। तो बोलने से अगर आपको हिंदी में जो स्वर होते हैं अ आ ई ई उ ए आई ओ औ, तो अगर बोलने में आपको इन स्वरों की साउंड आती है तब हम लगाते हैं एन। वो ए ई आई ओ यू वाला वो प्राइमरी क्लासेस तक है, और उसमें भी बहुत से एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, तो आपने वर्ड को बोल कर देखना है। तो यहाँ पर है आर, तो आर के आगे तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि ये वर्ब है, तो कहाँ लगेगा? द प्रोडक्ट्स के आगे भी नहीं लग सकता, एनिमल्स के आगे भी नहीं लगेगा क्योंकि एन मतलब एक, तो यहाँ एनिमल्स हैं तो ये बहुत सारे हैं। अगर हम बाउल देखें तो एनिमल्स इसके आगे लगा सकते थे पर नहीं लगेगा क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं, और एन का मतलब होता है एक, तो यहाँ एंडलेस प्रोसेस। तो ये प्रक्रिया तो एक ही है ना, कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया, तो हम कहाँ लगाएंगे? ये देखो ज़रा, प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं? ये इस प्रक्रिया के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये प्रक्रिया जिन पर होती है उनमें से प्लांट्स और एनिमल्स एक हैं। तो ये क्या कैसे बनेगा हमारा? द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एन एंडलेस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ हम बनाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड आपको कैपिटल रखना है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ एन एंडलेस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, देख लीजिए एक बार, द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ एन एंडलेस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, आर देयर एनिमल्स प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द एनवायरमेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब क्या है? यहाँ पर फिर से है आर, आर मतलब है। अब यहाँ क्या है? यहाँ भी एनिमल्स हैं, और एनिमल्स कैसे होते हैं? ऑल द एनिमल्स होंगे, मतलब कि सभी जानवरों की बात हो रही है। तो ऑल द एनिमल्स आर, यस वेरी गुड, यू आर ट्राइंग, प्रोडक्ट्स ऑफ, किसके प्रोडक्ट्स हैं? उन्हीं के, देयर एनवायरमेंट, जो उनके आसपास जैसा भी एनवायरमेंट है उन्हीं जगह में से ही तो वो क्रिएट हुए हैं, उनके आसपास के माहौल से ही तो वो बने हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये ऑल द एनिमल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ देयर एनवायरमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाइए। जब ये आपको एग्जाम में आते हैं तो तकरीबन ऐसे ही आते हैं कि
ये जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब देखो फर्स्ट में क्या हुआ था कि लाइफ के बारे में है कि कब शुरू हुई, फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स क्योंकि यही तो लाइफ का बेसिक हिस्सा है, प्लांट्स और एनिमल्स ही तो है, वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एनिमल्स कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, अलग से ह्यूमन की कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई है। प्लांट्स जो कि अपनी ही जगह पर रुके रहते हैं, ग्रोथ करते हैं, और एनिमल्स वो जो अपनी जगह से मूव करते हैं, तो हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हम भी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, आप देख ही रहे हैं, तो इसी तरह से इंटरकनेक्टेड आते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। अब इसमें वर्ब ढूंढिए, यहाँ आपको बड़ी आराम से मिल जाएगी। यहाँ पर वर्ब है लॉस, लूज होना, मतलब कि गुम हो जाना, गायब हो जाना, ओके लूज। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा हमारा, अब यहाँ पर कौन लूज कर रहा है, कौन खो रहा है अपना और क्या खो रहा है, ह्यूमन, ह्यूमन खो रहे हैं, नहीं तो कौन खो रहा है, एनिमल्स, यस एनिमल है। इंक्रोचमेंट क्या होता है, इंक्रोचमेंट होता है अधिकार जमाना, कब्जा करना, मतलब कि दखल अंदाजी करना, लिमिट से ज़्यादा दखल अंदाजी करना भी कह सकते हैं हम। कौन कर रहा दखल अंदाजी, आपको पता है इंसान ही कर रहा है, क्या करता है वो, हंटिंग कर रहा है, शिकार कर रहा है, किसका, एनिमल्स का। ह्यूमन क्या कर रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है, और लॉस किसका लॉस हो रहा है, कौन लूज कर रहा है, एनिमल्स क्या लूज कर रहे हैं, अपनी रहने की जगह, आवास, हैबिटेट, और ये उसका कारण है ड्यू टू ह्यूमन इंक्रोचमेंट। देयर किसके है, ये देयर किसके लिए है, एनिमल्स के लिए, क्योंकि वो कुछ खो रहे हैं और वो अपना अपना खो रहे हैं, क्या खो रहे हैं, हैबिटेट खो रहे हैं, तो देयर हैबिटेट, तो ये क्या बन जाएगा, द एनिमल्स लूज देयर हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन इंक्रोचमेंट। तो ये आप बनाएंगे इसी तरह से, द क्या बनेगा ये, यस द एनिमल्स लूज देयर हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन इंक्रोचमेंट। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, रीग्रोथ। रीग्रोथ मतलब दोबारा बढ़ना, रीग्रोथ मतलब दोबारा बढ़ना, क्या चीज़ बढ़ना, दोबारा बढ़ना, मतलब कि या फिर यहाँ यूँ कह सकते हैं आप, एक होता है ग्रोथ की बढ़ना, रीग्रोथ दोबारा बढ़ना, क्या है उसका रेट, रेट होता है दर, तो रीग्रोथ रेट नहीं बनेगा, रेट ऑफ रीग्रोथ मतलब दोबारा बढ़ने की जो दर है वो क्या है, वेरी स्लो, बहुत ही धीमी है, किस चीज़ की, ऑफ द हैबिटेट, ऑफ द हैबिटेट, तो रीग्रोथ रेट ऑफ द हैबिटेट इज वेरी स्लो, ये भी बन सकता है, या फिर इस तरह से बन सकता है, द रेट ऑफ रीग्रोथ इज वेरी स्लो। तो हम इसे क्या बनाएंगे, द रेट ऑफ द रीग्रोथ इज वेरी स्लो, द रेट ऑफ हैबिटेट
रीग्रोथ, क्योंकि रीग्रोथ किस चीज़ की, आवास स्थान की, जो उनके रहने की जगह है वो नहीं दोबारा से बढ़ रही है। एक बार उन्होंने छोड़ दी वो जगह किसी वजह से, ह्यूमन के इंक्रोचमेंट की वजह से, तो वो वहाँ से अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। द रेट ऑफ हैबिटेट रीग्रोथ इज वेरी स्लो। तो बच्चों अभी आपने देखा कि हमने रीअरेंजेस किस तरह से बनाए हैं। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ रीअरेंजेस दे रही हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि नेक्स्ट पेज पर है, और इन्हें भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ग्रामर की नोटबुक में लिखेंगे, और ग्रामर की नोटबुक अलग से बनानी है आपको। तो ये है आपका आज का होमवर्क, रीअरेंजेस फॉर प्रैक्टिस, देख लीजिए। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन एंड राइट आंसर्स विद पेंसिल्स। आपने इसके आंसर सिर्फ पेंसिल से लिखने हैं यहाँ पर, फिर मैं आपको कल इनके आंसर्स बताऊंगी, आप एक क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और मैं आपके जो पेंसिल से लिखे हुए होंगे उनमें से आपके कितने टिक गए हैं, कितने रॉन्ग गए हैं, वो मैच करने के बाद आप ज़रूर लिखिएगा।